हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम TDS डिडक्ट करना सीखेंगे कि टैली में हम TDS को कैसे डिडक्ट करते हैं। तो आज हम एग्जांपल ले रहे हैं, आपने किसी रेंट पे TDS डिडक्ट करना है। कोई भी रेंट हो सकता है, वो किसी लैंड का हो सकता है, बिल्डिंग का हो सकता है, किसी भी चीज़ का। अगर आप रेंट पे करते हैं और उस पर आपका TDS डिडक्ट होता है, तो आप उसको कैसे डिडक्ट करेंगे टैली में, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे और उसकी रिपोर्ट्स हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले TDS को एक्टिवेट करना होगा अपने टैली सॉफ्टवेयर पे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले F11 प्रेस करना है। F11 आप प्रेस करेंगे, देन आपने यहाँ पे स्टैच्यू एंड टैक्सेशन पे आना है। अभी हम यहाँ पे GST यूज नहीं कर रहे हैं, अभी मैं आपको सिर्फ TDS डिडक्ट करना बता रही हूँ एक्सपेंस पे। तो आपने यहाँ पे अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को, इसको यस करना है। देन सेट ऑल्टर TDS डिटेल्स, ये आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आपके पास, अगर आप TDS के लिए रजिस्टर्ड है आपकी कंपनी, तो आपके पास 10 रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होता है। देन टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ये आपका 10 डिजिट्स का होता है और इसका यही रेशियो होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे होता है, 4 अल्फाबेट्स होते हैं, 5 न्यूमेरिक्स होते हैं, देन एक अल्फाबेट होता है, ये आपको यहाँ पे लेना होता है। डिडक्टर टाइप, आप ये जो TDS डिडक्ट कर रहा है वो कौन है, ये कंपनी है या इंडिविजुअल है, तो आप यहाँ पे वो सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद डिडक्टर ब्रांच, जहाँ पे ये TDS डिडक्ट हो रहा है वहाँ पे आप ब्रांच का, जहाँ पे भी आपका आपकी कंपनी है वहाँ का आप लोकेशन यहाँ पे लिख देंगे। देन आपने यहाँ पे इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है, ऐसे हम TDS को एक्टिवेट कर लेंगे। अब TDS डिडक्ट करने के लिए हमें जिस पे भी TDS डिडक्ट करना है, उसके लिए हमें कुछ लेजर्स की ज़रूरत होती है। तो लेजर्स बनाने के लिए हमें यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो पे आएंगे और हम यहाँ पे कुछ लेजर्स क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे रेंट का, रेंट एक्सपेंसेस। रेंट हम पे करेंगे तो हम इसको लेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा इज TDS डिडक्टेबल, आपने इसको एप्लीकेबल करने है। एप्लीकेबल करने के बाद नेचर ऑफ पेमेंट में, अभी देखिए यहाँ पे मेरा रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर बना हुआ है। अगर आपका नहीं बना हुआ तो आपने इसको न्यू कैटेगरी पे आना है। तो अभी मेरे पास तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इसी को ही यहाँ पे आपको कंट्रोल एंटर करके यहाँ पे शो करवा देती हूँ कि आपने इसको कैसे बनाना है। ये देखिए यहाँ पे आपने न्यू कैटेगरी जब आप लेंगे तो आपके पास नेचर ऑफ पेमेंट ऐसे शो करेगा। आपने यहाँ पे लेना है नेम में रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर। उसके बाद यहाँ पे इसका सेक्शन होता है, देन इसका पेमेंट कोड होता है। ये सेक्शन और पेमेंट कोड आपको यहाँ से कंट्रोल सी हेल्पर के बटन से मिल सकता है। अगर आप सर्वर वाले सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आपके पास लाइसेंस टैली चल रही है, तो आप यहाँ कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, हेल्पर पे क्लिक करेंगे, तो सारे सेक्शंस और पेमेंट कोड यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं आपको यहाँ से पता चल रहा है, तो आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। हर एक नेचर ऑफ पेमेंट का अपना जो सेक्शन होता है और पेमेंट कोड होता है, ये आपको इजीली मिल सकता है, आप इंटरनेट के थ्रू इसको सर्च कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप सेक्शन लिखेंगे, पेमेंट कोड लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको रेट प्रेस करना है। अगर वैल्यू लिमिट फॉर अ सिंगल बिल, एक एक बिल के लिए आपको लिमिट फिक्स करनी है, आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद रेट यहाँ पे हम 10% ले लेंगे, और उसके बाद थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट आपको देनी है, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि 1 लाख तक कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर देंगे। ऐसे हमने एक रेंट एक्सपेंस का लेजर क्रिएट किया। देन अब हमने रेंट किसको पे करना है, वो हम पार्टी का नेम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे साई एजेंसीज ले लिया, साई एजेंसीज हम यहाँ पे ले लेंगे, और इसको हम लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने इसको पे करना है, तो हम इसको अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स ले रही है। देन इज TDS डिडक्टेबल, यहाँ पे आप TDS को डिडक्ट करेंगे, तो हमने यहाँ पे यस करना है। डिडक्टेड टाइप, ये कौन है, इंडिविजुअल है, कोई गवर्नमेंट बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी है, आप क्या यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे हम अभी ले लेते हैं कंपनी रेजिडेंट, जिस भी टाइप का होगा डिडक्टी आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे आपने इस पार्टी का पैन नंबर लिखना, आपके लिए मैंडेटरी है, तभी वो 10% TDS डिडक्ट करेगा, अदरवाइज वो 20% TDS डिडक्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमें 10% हमने लगाया हुआ है कि TDS रेंट पे 10% डिडक्ट होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पैन नंबर फिल करना भी ज़रूरी है, जो कि 10 डिजिट्स का होता है, 10 कैरेक्टर्स का होता है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पैन नंबर, देन उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमने ये पार्टी का भी नेम बना लिया। अब एक हम लेजर बनाएंगे TDS ऑन रेंट,
इसको हम अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेंगे. कोई भी आप टैक्स से रिलेटेड लेजर क्रिएट करते हो उसको आप अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही लेते हो. टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में हम यहाँ TDS लेंगे. नेचर ऑफ पेमेंट आपने अभी भी बनाया, रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको एक्सेप्ट करना है. अब देखिए ये मैंने लेजर्स क्रिएट कर दिए जो हमें एंट्री करने के लिए ज़रूरी थे. तो उसके लिए अब हम यहाँ पे F7 जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे और यहाँ पे आपको एंट्री करनी है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंट्री कर रही हूँ 1st of July को, तो मैंने यहाँ पे 1st of July की एंट्री करी है और की डेट यहाँ पे ली है. और अब हम यहाँ पे लेंगे रेंट एक्सपेंस हमने पे करना है. तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो रेंट पे करा वो मैंने 1,50,000 रुपीज़ मैंने पे करना है, जिसके ऊपर मुझे 10% TDS पे डिडक्ट करके पे करना है साई एजेंसीज को. तो मैंने यहाँ पे 1,50,000 अमाउंट लिखा. यहाँ पे देखिए TDS नेचर ऑफ पेमेंट डिटेल्स वो आपको यहाँ पे शो करेगा और उसके बाद यहाँ पे हम इसको क्रेडिट करेंगे साई एजेंसीज. तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे साई एजेंसीज लोगे तो वो उसको 10% डिडक्ट करके 1,35,000 ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा. और यहाँ पे आप इसको न्यू रेफरेंस ले लेंगे. देन हमने यहाँ पे 15,000 हमारा अलग रेफरेंस बन गया और हम यहाँ पे लेंगे TDS ऑन रेंट. तो देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई है जिसको हमने जर्नल में ट्रीट किया है. जर्नल में हमने ये एंट्री पास करी है जिसमें हमने रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया, साई एजेंसीज और TDS ऑन रेंट को हमने क्रेडिट किया है क्योंकि अभी हमने ये पे करना है. साई एजेंसीज को हमने 1,35,000 पे करनी है और TDS ऑन रेंट में भी हमने TDS जो हमने गवर्नमेंट को पे करना है वो हमने 15,000 पे करना है. तो आप यहाँ पे जर्नल वाउचर में ये एंट्री को पास करेंगे. अब जब हम साई एजेंसीज को पेमेंट करेंगे तो आपने यहाँ पे F5 पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है. पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है. आपको क्या करना है, यहाँ पे आप F12 प्रेस करेंगे इसी स्क्रीन पे और आपको ध्यान देना है कि आपने यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, आपने इस ऑप्शन को येस करना है क्योंकि आप ये एंट्री को पेमेंट जो आप कर रही हैं वो आप सिंगल मोड में करेंगे. और उसके बाद आपको ये येस करना है और उसके बाद F12 प्रेस करना है फॉर एडवांस कन्फिग्रेशन. आपने इस ऑप्शन को यस करना है अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर TDS. अगर आप चाहते हैं कि TDS की एंट्रीज में आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर लीजिए. शो TDS बिल एलोकेशंस इसको भी आप यस कर लेंगे. उसके बाद आपने इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है. अब यहाँ पे आप कैसे पेमेंट करेंगे, हम एक बैंक का लेजर क्रिएट कर लेते हैं. जो भी आपका बैंक होगा जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रही हैं वो आप यहाँ पे लेजर ले लेंगे. और इसको हमने कोटक बैंक को अंडर बैंक अकाउंट लेकर यहाँ पे अकाउंट में कोटक बैंक ले लिया और यहाँ पे साई एजेंसीज हमने लिया. अब देखिए यहाँ पे 1,35,000 मैंने अमाउंट लिखा क्योंकि मैंने साई एजेंसीज को करंट बैलेंस में 1,35,000 ही पे करना है. एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स में आप अगेंस्ट रेफरेंस में ये देखिए पेंडिंग बिल जो हमारा शो कर रहा है 1,35,000 ये आप यहाँ से पिक करेंगे. देन आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है. ये देखिए ये एंट्री हमारी हो चुकी है जिसमें हमने साई एजेंसीज को 1,35,000 रुपीस पे कर दिए. अब देखेंगे हम कि TDS हमारे पास कहाँ पे शो हो रहा है. अब मेरे पास 15,000 रुपीस TDS पड़ा है जो कि मुझे गवर्नमेंट को पे करना है. तो हम यहाँ पे डिस्प्ले में चेक करते हैं स्टैचुरी रिपोर्ट्स में. TDS रिपोर्ट्स पे आप आएंगे, देन यहाँ पे आपने फॉर्म 26Q ओपन करना है. तो यहाँ पे देखिए आपके पास होगा डिडक्शन एट नॉर्मल रेट 1,50,000 टोटल टैक्स डिडक्टेबल 15,000. तो ये आपका 15,000 रुपीज़ TDS डिडक्ट हुआ है और बैलेंस पेबल आ रहा है आपका 15,000. इट मींस कि आपको ये 15,000 रुपीज़ जो है ये गवर्नमेंट को पे करना होगा. आपको TDS डिडक्ट करके जो आपने ये TDS डिडक्ट किया है वो आपको गवर्नमेंट को भी पे करना है. और इसको आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं. जो भी आपका पेंडिंग TDS बचा है जो आपको पे करना है वो आप TDS पेंडिंग्स में आउटस्टैंडिंग में चेक कर सकते हैं. और देखिए यहाँ पे आपको रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर पे 15,000 टोटल पेंडिंग ये आपका शो हो जाएगा. पार्टी वाइज आप यहाँ पे करेंगे तो देखिए साई एजेंसीज का आप एक एक पार्टी वाइज चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ये 15,000 पे करना है. अभी मैं चाहती हूँ कि ये जो आउटस्टैंडिंग शो है ये आउटस्टैंडिंग शो ना हो और मैं ये TDS को पे कर चुकी हूँ गवर्नमेंट को. तो आप यहाँ पे पेमेंट में कैसे एंट्री करेंगे, आपने पेमेंट वाउचर पे रहना है. देन यहाँ से आप करेंगे ऑल्ट एस करके स्टैट पेमेंट करेंगे. टैक्स टाइप में आप यहाँ TDS लेंगे. पीरियड फ्रॉम कब, कौन सी टाइम का आप ये TDS पे कर रहे हैं. तो मान लीजिए आपने ये 1st June से लेके 30 June तक ये डेट यहाँ पे ले रहे हैं. तो हम यहाँ पे जिस भी मंथ का हम TDS डिडक्ट कर रहे होंगे वो हम यहाँ पे डेट ले लेंगे. तो अभी मैं जैसे 1st July to 31st July ही ले रही हूँ
और यहाँ पे टिल डेट, लास्ट डेट आप यहाँ पे ले सकते हैं, जिस भी डेट में आप TDS डिडक्ट कर रही हैं, पे कर रही हैं, सेक्शन में ही आपका आ जाएगा जो भी आपने लिया होगा। यहाँ पे कंपनी आप ले लेंगे, रेजिडेंट ले लेंगे, और किसके थ्रू आप ये पेमेंट कर रही हैं वो आप यहाँ पे बैंक के थ्रू ले लेंगे। अब देखिए सारी अमाउंट जो 15,000 है ये अगेंस्ट में पे हो गई है, और आप यहाँ देख रहे होंगे TDS ऑन रेंट करंट बैलेंस हमारा जीरो हो गया है, और आप यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए एक्सेप्ट करने के बाद आप एक बार और अपनी TDS रिपोर्ट्स को चेक कीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जब आप TDS रिपोर्ट्स में TDS आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे तो यहाँ देखिए हमारा नेल हो गया है, जो हमारा आउटस्टैंडिंग शो कर रहा था आफ्टर पेमेंट। तो यहाँ पे हम ऐसे करके चेक कर लेते हैं अपने TDS को, और आप ऐसे पेमेंट कर सकते हैं। तो रेंट और कोई भी एक्सपेंस है आपका जिस पे TDS डिडक्ट हो रहा है उसमें आप ऐसे ट्रीट करेंगे, और अपनी एंट्रीज को ऐसे ही इसमें एंटर करेंगे टैली में, करके देखिएगा। कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।